चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने बताया कि 25 साल शेख अबू बकर अमूदी साकिन सलाला का झगड़ा 24 साल अब्दुल रहमान से हो गया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये झगड़ा रकम या लड़की के मसले पर हुआ। इसी झगड़े के दौरान अब्दुल रहमान ने अमूदी पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी उमूदी को फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इसी दौरान DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने कत्ल के मुकाम का मुआयना किया। गुड मॉर्निंग। मैं सेल्फ एसिफ फालक नुमा। आज के रात एक छोटा सा हादसा हुआ। ये अब्दुल रहमान और शेख अबू बकर अमूदी दोनों के बीच में कुछ पुराने मसले थे। वो लोग जो है सो आज यहाँ पर बैठ के बात करने के लिए आए। दोनों में कुछ झगड़ा हुआ। ये अब्दुल रहमान जो है सो चाकू लेके उनको बोगे और उस सिलसिले में उनके वाले साहब से, ये अबू बकर के वाले साहब से कंप्लेंट लेके उस पर हम तहकीकात कर रहे हैं। दोनों के बीच में क्या मसला था, क्या झगड़ा था, हम तहकीकात कर रहे हैं। सर अरेस्ट हो गए? सर अक्यूज को हम अरेस्ट करेंगे। सर आए दिन फलकनुमा डिवीजन में ऐसे हादसा हो रहे हैं, देखने को मिल रहा है? हर दिन नहीं हुआ, ये पहला हिस्सा है। अब बोलने से पहले कब हुआ बोलो? आए दिन से पहले नहीं, कब हुआ था? कब हुआ था? इससे पहले जो चाकू से मारे सब दो भाइयों को, तो कब हुआ वो? थोड़े दिन ही हो रहा। हर दिन का मतलब? आए दिन बोला। हर दिन का मतलब क्या है? आए दिन बोला। बोलने से पहले, बात करने से पहले सोच के बात। सर एज क्या थी इनकी? सर 24-25 ईयर्स। अच्छा, कुछ रीजन मालूम हुआ सर? कुछ और रीजन हम तहकीकात कर रहे हैं। ये रात में कितने बजे हुआ सर? ये 12-12:30 के बाद में हुआ। ये अक्यूज्ड का एज कितना है सर? दोनों भी सेम एज ग्रुप है, 23-24।